हेलो फ्रेंड्स नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर एंड वेरी इजी चैप्टर चैप्टर फोर मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमारे पास आसपास जो भी मटेरियल्स होते हैं वो थोड़े मेटल्स होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो मेटल्स है या नॉन मेटल्स है ठीक है अगर हम कहे कि आयरन है ठीक है तो आयरन को मेटल कहेंगे या नॉन मेटल फिर बेंच है ठीक है वुडन की बेंच है तो उसको मेटल बोलेंगे या नॉन मेटल तो ऐसे ही हमें चेक करना है हमें कि वो मेटल है या नॉन मेटल अब मेटल और नॉन मेटल में हम कैसे चेक करेंगे चेक करेंगे कि उसकी करेक्टरिस्टिक के हम उसकी करेक्टरिस्टिक चेक करेंगे उसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे और फिर हमें पता चल जाएगा कि वो मेटल है या नॉन मेटल देखिए हमें सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आपको बॉक्स में फाइव मटेरियल दी गए हैं ठीक है ऑब्जेक्ट या मटेरियल आयरन कोल सल्फर एल्यूमिनियम और कॉपर अब उसका एपियरेंस क्या है और उसके बाजू में हार्डनेस कि वो हार्ड है या नहीं तो हमें चेक करना है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आयरन अब आयरन है वो साइनी है या डल सबसे पहले तो हम कहेंगे आयरन तो साइनी है ठीक है वो हार्ड है हाँ वो तो हार्ड है कोल है ठीक है तो कोल तो डल होता है लेकिन वो हार्ड भी नहीं होता सल्फर है सल्फर का पाउडर होता है सल्फर का पाउडर को अगर हम <coughs> नीचे हम बर्नर रख के हम उसका हीट देते हैं तो उसकी वेपर जब आँख में चली जाती है तो वो बहुत ही हेज़ार्डस होती है हमें जब भी सल्फ़र का प्रयोग करें तब हमें दूर रहना चाहिए उस एक्सपेरियस उस एक्सपेरिमेंट से हमें दूर रहना चाहिए सल्फ़र है वो डल है ठीक है और वो हार्ड नहीं है एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों है वो साइनी है ठीक है और दोनों ही हार्ड है तो हम इनमें से कौन से कंक्लूजन पर आते हैं देखिए आयरन एल्यूमिनियम और कॉपर ये तीनों के तीनों मेटल है और जो जो भी मेटल है वह अपियरेंस में क्या है साइनी है ठीक है और वो बहुत ही हार्ड होती है तो ये हमारी मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हो गई जो जो मेटल है वो साइनी है और हार्ड है जो नॉन मेटल है वो डल है और वो हार्ड नहीं होती है अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करेंगे अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि आपने जस्ट मिनट यहां पे हम फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की आप आपने ब्लैक स्मिथ को देखा होगा ठीक है कि वो क्या करते हैं कि आयरन पी से उसको बीटिंग करते हैं बीटिंग यानी उस पर मारते हैं तो क्या वो उनके सेप में चेंज होता या नहीं जो जो भी मटेरियल उसने यूज़ किया देखे यहाँ पे क्या है आपको हार्मर से आयरन नेल पर मारते हुए पिक्चर है वो दिखाया गया है तो क्या होता है आयरन नेल को जब उसको मारते हैं बीटिंग करते हैं तो जब उसका बीटिंग करते हैं तब उसका शेप चेंज हो जाता है ठीक है एक सीट जैसा हो जाता है प्लेन सीट जैसा शेप और अगर एल्यूमिनियम वायर है अगर उससे हम हार्डली हम उस पर वर्क करें तो एल्यूमिनियम वायर को हम खींच सकते हैं तो फिर कोल और पेंसिल में क्या होगा देखिए यहाँ पे अच्छे से टेबल है हम यहाँ पे ही डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट है आयरन नेल कोल पीस वायर और लीड और फिर यहाँ पे कि क्या अगर हम उस पर उसकी प्रॉपर्टी चेक करें तो क्या वो हमें फ्लैटेंस मिलेगी फ्लैटेंस मिस एकदम सपाट स्ट्रेट और क्या वो छोटे छोटे पीस में ब्रेक हो जाएगी तो चलिए देखते हैं आयरन नेल है वो फ्लैटेंस हो जाएगी इसलिए यहाँ पे हम लगते हैं एफ कोल पीस है वो ब्रेक हो जाएंगे अगर हम उस पर मार आ, उस पर बीटिंग करते हैं तो वो छोटे छोटे पीस में ब्रेक हो जाते हैं एल्यूमिनियम वायर है वो फ्लैट हो जाएगी और पेंसिलिड है वो भी छोटे छोटे पीसीस में ब्रेक हो जाएगी ठीक है अब हम जाते हैं आगे यू शो देट द शेप ऑफ द आयरन एंड एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग इफ यू वेयर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंजड इन टू सीट्स वो सीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं यू माइट बी फेमिलियर विथ सिल्वर फॉइल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स बाजार में हमें पता ही है कि कि सिल्वर फॉइल को जब कोई भी स्वीट्स होती है ठीक है आप काजू कतरी ले लो या कोई भी ऐसी ले लो स्वीट्स तो उसके पर एक साइनिंग सा लेयर होता है उसको डेकोरेट किया जाता है तो उसमें सिल्वर फॉइल का इस्तेमाल किया जाता है और हमें पता है कि एल्यूमिनियम फॉइल है जब हम फूड को वेब करते हैं हम बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ से फूड लाते हैं तो वो हमें जो व्रेपिंग करने व्रेपिंग जो करते हैं उनमें जो मटेरियल होता है वो शाइनिंग वाला उसको बोलते हैं एल्यूमिनियम फॉइल तो इसमें भी मेटल का यूज किया जाता है अब क्या है कि यहाँ पे द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलियाबिलिटी ये डेफिनेशन हमें अच्छे से याद रखनी है कि जो कोई भी प्रॉपर्टी है मेटल्स की अगर हम उसको बीटिंग करते हैं तो वो सीट्स में अगर कन्वर्ट हो जाती है तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिया एबिलिटी अच्छे से हमें याद रखना है याद रखना है कि मेलिया एबिलिटी किस बोलते हैं अब यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ है यहाँ पे क्या कहा गया है कि मान लीजिए अगर हमारे किचन में कोई प्रेशर कुकर होता है या कोई भी बर्तन होता है तो उसके आगे जब हम उसको पकड़ते हैं तो वो हम किससे पकड़ते हैं हैंडल से पकड़ते हैं अब मान लीजिए वो है, हैंडल है ही नहीं तो क्या वो हमें हर्ट करेंगे या नहीं मान लीजिए अगर गैस पे हमने कुकर है वो लगाया है और हैंडल नहीं है तो जब हम उसको टच करेंगे तो हमें हर्ट होगा हाँ बिल्कुल होगा क्योंकि हमें वहाँ पे हैंडल नहीं रखा था अब मान लीजिए कि हैंडल रखा है तो हमें कोई भी हर्ट नहीं होगा ऐसा क्यों क्योंकि वो जो होते हैं वो मेटल या नॉन मेटल के होते हैं ठीक है ठीके? हम उसको बोलते हैं कंडक्टर वो पुअर कंडक्टर है या गुड कंडक्टर वो हमें देखना है तो उसमें जो प्लास्टिक प्लास्टिक के मटेरियल का यूज़ होता है ऐसे ही बहुत सारी मटीरियल थिंग्स होती है तो हमें उस पर ये यूज़ करना होता है तो या तो वो वुड का हो सकता है या वो प्लास्टिक का हो सकता है तो हमें ये देखना है कि क्या वो हीट को टोलरेट कर सकता है या नहीं ठीक है हम गैस पे हीट करते हैं तो हमें कौन से कौन से मटीरियल है वो हमें यूज़ करने चाहिए तो क्या क्योंकि वो हीट को इजीली टोलरेट कर सके यानी हमें उससे कोई हर्ट ना हो तो फिर से एक एक्टिविटी है अब यहाँ पे क्या है देखिए यहाँ पे सेल लिया गया है फिर यहाँ पे बल्ब है और यहाँ पे है आयरन नेल तो अब क्या करते हैं कि आयरन नेल को वायरिंग के साथ जोड़ते हैं और उस दो वायर है वो बल्ब के साथ जोड़ेंगे फिर हमें देख रहे हैं कि बल्ब यहाँ पे ऑन होता है या नहीं अब यहाँ पे जैसे आयरन नेल लिया है वैसे ही हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल लेने हैं अब मान लीजिए अगर आयरोनेल है ठीक है है, अगर बल्ब चालू हो जाता है तो उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर गुड कंडक्टर सल्फर का पाउडर है वहां से बल्ब चालू नहीं होता है उससे तो उसको बोलते हैं पुअर कंडक्टर कोल पी से उसमें से भी बल्ब चालू नहीं होता है तो उसको बोलते हैं पुअर कंडक्टर और कॉपर वायर है उसको बोलते गुड कंडक्टर तो हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि जो जो भी मेटल्स होती है वो गुड कंडक्टर्स होती है और जो जो भी मेटल्स है वो जो नहीं अच्छे से वर्क करती है उसको बोलते हैं पुअर कंडक्टर यानी जो नॉन मेटल है वो पुअर कंडक्टर है और मेटल है वो गुड कंडक्टर है यहाँ पे हमें एक सेंटेंस याद रखना है ओ द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वॉज टू शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में हमें कहा गया है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वो काफ़ी अच्छे कंडक्टर्स है और तो ये हमें याद रखना है यहाँ पे एक और डेफिनेशन आपको दिया गया है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच इट कैन बी ड्रोन इंटू वायर्स उसको बोलते हैं डक्टिलिटी अगर हम किसी मेटल की जो प्रॉपर्टी है अगर हम उसको खींचते हैं तो वो वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं यानी हम उसको सिर्फ खींच सकते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे डक्टिलिटी याद रखिए डक्टिलिटी एक था मेलियाबिलिटी और दूसरा था डी अब एक और पॉइंट है अब मान लीजिए अगर कि सभी जो डिफरेंट 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 टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं वो साउंड करते हैं या नहीं कोई साउंड करता है और कोई नहीं करता है ठीक है इसमें मेटल कोई है तो वो साउंड करता है पीस ऑफ कोयल है तो वो साउंड नहीं करता है तो ऐसे ही हमें देखना है कि कौन है वो साउंड करता है और कौन है वो साउंड नहीं करता है मान लीजिए अगर हम टेम्पल में जाते हैं यहाँ पे जो पैराग्राफ में हमें कहाँ है कि टेम्पल्स में जाते तो जो वहाँ पे बेल्स होती है और वो आयरन की होती है या फिर एल्यूमिनियम या कोई भी मटेरियल की होती है तो वो साउंड क्रिएट करता है लेकिन अगर वुडन की होती है तो वहाँ पे साउंड क्रिएट नहीं होता है साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए ठीक है तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स, दे आर सेड टू बी साउंड ठीक है जो जो भी मटेरियल से आवाज आती है, उसको बोलते हैं सोनोर तो हमें यह याद रखना है कि सोनोर किसे कहते हैं कि मेटल्स में से साउंड आता है तो उसको बोलते हैं सोनोरास अब हम बात करेंगे कि आफ्टर परफॉर्मिंग द एबो एक्टिविटीज़ अब मेटल के सारे जो प्रॉपर्टी है वो सारे एक साथ लिखी गई है ठीक है यहाँ पे देखिए आप हार्ड लस्ट्रस हार्ड लस्ट्रस मीन्स एक तो पहले हार्ड है लस्ट्रस मीन्स शाइनिंग होती है शाइनिंग होते हैं मेलिएबल है ठीक है थीके? उसको हम आयरन या फिर की हेमर से हम मार सकते हैं तो वो उसका शेप चेंज हो जाता है डक्टाइल डक्टाइल हम खींच के वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं सोनरोस जिसमें वॉइस क्रिएट होता है साउंड क्रिएट होता है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वो सभी गुड कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये जो जो भी प्रॉपर्टी है वो सभी मेटल की है और अगर इनकी ओपोजिट करें तो वो नॉन मेटल की हो जाएगी जिसमें हम उसके लिखेंगे कि ये हार्ड नहीं है ये सॉफ्ट है ये लस्ट्रस नहीं है ये मलिएबल नहीं है उसमें डकटाइल की प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिलती सोनर नहीं देखने को मिलते और वो पुअर कंडक्टर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के तो आपके पास दो क्वेश्चन हो गया सिर्फ और सिर्फ थ्री थ्री लाइन्स हमें याद रखनी है और दो क्वेश्चन रेडी हो गए अब यहाँ पे मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन कि, तो कि नहीं वो नहीं कट हो सकता लेकिन मेटल में ऐसे दो मेटल है जिसको हम नाइफ से भी कट कर सकते वो है सोडियम और पोटेशियम सोडियम को केरोसिन में रखाया जाता है ठीक है तो हमें ये याद रखना है और उसके आगे मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी एक ऐसा है कि जो लिक्विड स्टेट में मिलता है तो ये एक्सेप्शन है ये दोनों के दोनों हमें याद रखने हैं कि सोडियम और पोटेशियम वो दोनों एक्सेप्शन है मेटल में और साथ साथ मर्क्यूरी भी जो लिक्विड स्टेट में हमें मिलती है ठीक है रूम टेम्परेचर के साथ तो वो भी एक्सेप्शन ही है तो आपको पता चल गया कि मोट मेटल किसको बोलते हैं नॉन मेटल किसको बोलते हैं और उसकी जो ये सारी के सारी जो प्रॉपर्टी है वो हमें अच्छे से याद रखनी है ये चैप्टर है बहुत ही ईजी है आप अच्छे से लर्न करते रहिए ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे फोर तब तक के लिए ये फिर लर्न कर लीजिए और मैंने आपको पी तो भेज ही दिए आप उसमें से भी चैप्टर है वो लर्न कर सकते हैं ठीक है थैंक यू